अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको जो वाक़या बयान करने जा रही हूँ वो दौरे फारूकी में रआया परवरी का एक अजीब वाक़या माना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिरा की तरफ जा रहा था। हिरा मदीना के करीब एक जगह का नाम है। जंगल में एक जगह आग जलती हुई नज़र आई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफिला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया बल्कि बाहर ही ठहर गया है, चलो इसकी खैर खबर लें, हमें वहाँ पर पहुँचकर उनकी हिफाजत का इंतज़ाम करना चाहिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और साथ ही एक देगची चूल्हे पर रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए, पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि देगची में पानी भर कर रखा हुआ है ताकि बच्चों को थोड़ी सी तसल्ली हो और वो सो जाए। इसके बाद वो कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फैसला होगा कि मेरी इस तंगी की वो खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तेरे हाल की क्या खबर है। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा, खजूरें, चर्बी और कुछ कपड़े और दिरहम लिए। गर्ज के उन्होंने इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दो। मैंने अर्ज किया कि मैं ले चलूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, इसे मेरी कमर पर ही रखो। दो तीन मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क्या क्यामत में भी मेरे बोझ को तुम ही उठाओगे। इसको मैं ही उठाऊंगा इसलिए कि क्यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी आपकी कमर पर रख दी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत तेजी के साथ उसके पास तशरीफ ले गए, मैं भी साथ था। वहां पहुंचकर इस देगची में आटा, कुछ चर्बी और खजूरें डाल दी और इसको चलाना शुरू कर दिया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू कर दी। असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घनी दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा हता के एक किस्म का हलवा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। जब उन्होंने खूब पेट भर कर खा लिया तो वो हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के लिए उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अल्लाह ताला तुम्हें जजाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझ ही को वहाँ पाओगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था, मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देखूं। इसी बात के इख्तिताम पर मैं आप सबसे इजाज़त चाहूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।